चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म वांटेड बिहार और झारखंड के सिनेमा घरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में करीब करीब सभी सिनेमा घरों में हाउसफुल ओपनिंग मिली है। आपको बता दें कि सभी सिनेमा घरों में भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि कई सिनेमा घरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा रहने से भोजपुरी दर्शकों को दूसरे शो का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फिल्म वांटेड में पवन सिंह का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ अब भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते हैं कि पवन सिंह की फिल्म वांटेड का पहला दिन का कलेक्शन क्या रहा। तो आपको बता दें कि पवन सिंह के बिहार और झारखंड में कलेक्शन करीब करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा का रहा। आपको बता दें कि अभी तक फिल्म का ऑफिशियली कलेक्शन रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सिनेमा घरों में सुबह से ही भीड़ देखी गई, उससे यह उम्मीद लगाना तय माना गया है कि यह फिल्म 20 लाख से ऊपर का ही कारोबार किया होगा। आपको बता दें कि फिल्म वांटेड में पवन सिंह पहली बार बंगाली गर्ल मणि भट्टाचार्य के साथ जोरदार रोमांस करते हुए भोजपुरी पर्दे पर भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह और मणि भट्टाचार्य पर फिल्माया हुआ गाना पलंगिया सोने ना दिया दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। साथ ही साथ फिल्म वांटेड में पवन सिंह का दमदार डायलॉग भोजपुरी दर्शकों की जुबान पर थिएटर के बाहर देखने को मिलता है। यानी बता दें कि भोजपुरी दर्शकों को वो सभी मसाला मौजूद है फिल्म वांटेड में जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है।